वेलकम बैक जी, सत श्री अकाल। कॉन्ट्रैक्ट लॉ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है जी। सेक्शन 5 ऑनवर्ड्स हम लोग आज डायरेक्ट लैंग्वेज के करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो सेक्शन के रिगार्डिंग ऑलरेडी हमने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर लिए थे, मैंने अपलोड कर दिए हैं। कंसीडरेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया आपको। तो ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ डायरेक्ट लैंग्वेज समझने के लिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने काफी डिस्कस कर लिया इसके रिगार्डिंग। तो जस्ट डायरेक्ट लैंग्वेज समझो प्लीज। सेक्शन 5 क्या कह रहा है? सेक्शन 5 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कह रहा है कि रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। प्रपोजल कब रिवोक किया जाता है और एक्सेप्टेंस कब रिवोक की जाती है, ठीक। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था ए एंड बी, आई बॉल कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। ए ने बी को ऑफर किया, जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होता बी तक, तब तक ए के पास राइट है कि उसको वो रिवोक कर सकता है अपना ऑफर। तो अभी रास्ते में है, सपोज अभी रास्ते में है, बी तक पहुंचा नहीं है, तो ए टेलीफोनिकली कॉल कर सकता है कि मैंने आपको लेटर डाला, उसमें मैंने आपको ऑफर किया है अपनी कार सेल करने के लिए, अब वो मैंने कार किसी और को सेल कर दी है, तो प्लीज आपको वो विड्रॉ कर रहा हूँ ऑफर। तो डेट मीन्स उसने अपना ऑफर विड्रॉ कर लिया। सेम वे बी ने, अगर बी तक वो लेटर पहुंच गया, तो बी ने अगर एक्सेप्टेंस उसको एक्सेप्ट कर लिया और बी ने एक्सेप्टेंस का लेटर डाल दिया, जब तक वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस ए तक नहीं पहुंचता, तब तक जो है बी के पास राइट है कि वो उसको रिवोक कर सकता है। द मोमेंट बी की नॉलेज में आ गया ऑफर, तो ए तो लाइबल हो गया, ए तो उसको तो ऑफर वो विड्रॉ कर नहीं सकता। लेकिन बी जब उसने लेटर पोस्ट कर दिया, जब तक वो लेटर ए तक नहीं पहुंचता, तब तक बी के पास राइट है कि वो अपना जो एक्सेप्टेंस है वो रिवोक कर सकता है। तो सेक्शन 5 में सिर्फ यही लिखा है, अ प्रपोजल, प्रपोजल मींस एन ऑफर मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। वहां पे वर्ड लिखा है बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। क्योंकि जब तक बी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तब तक आप विड्रॉ कर सकते हो, सिंपल। जब बी ने एक्सेप्ट कर लिया तो बात ही खत्म होगी, तब तो आप विड्रॉ कर ही नहीं सकते, देयर इज नो चांस। वहां पे सिंपल वर्ड लिखा है कि बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस, जब तक आपको ऑफर का कम्युनिकेशन उसने एक्सेप्ट नहीं कर लिया, तब तक आपके पास राइट है। सेकेंड पॉइंट, एन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी आप रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। जब तक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होती, ए तक नहीं पहुंचता, तब तक आपके पास राइट है कि आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सी लैंग्वेज में सेक्शन 5 को डिफाइन किया गया है। लेकिन जो सेक्शन 6 है, इट्स अ टेक्निकल सेक्शन, सेक्शन 6, क्योंकि वहां पर जो सेक्शन 6 है उसमें नंबर ऑफ टाइम्स प्री में और मेन में क्वेश्चन आ चुके हैं, प्लीज इसको ध्यान में रखना। सेक्शन 6 क्या कह रहा है? रेवोकेशन हाउ मेड, ठीक है, आपने रिवोक करना है, आपने ऑफर रिवोक करना है, आपने एक्सेप्टेंस रिवोक करनी है, कैसे करोगे ये इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द मोड्स, हमें बोलेगा रेवोकेशन हाउ मेड। सो सेक्शन 6 में वहां पर क्लियर लिखा है अ प्रपोजल इज रिवोक्ड, ऑफर कब रिवोक किया जाता है, बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रोमिसर प्रपोजर टू द अदर पार्टी, ठीक है। आपने ए ने बी को लेटर लिखा कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, अभी वो रास्ते में है, आपने रिवोक करना है, तो बात खत्म। आप बी को टेलीफोनिकली मैसेज कर दो, क्योंकि आप लेटर डालोगे तो वो लेटर तो उसके बाद ही पहुंचेगा ना पहले वाले लेटर से, तो आप किसी भी वे आउट से आप उसको जो है वो आप ऑफर वो कैंसिल कर सकते हो। तो नोटिस देना है आपको रेवोकेशन का, आपने ए ने बी को नोटिस देना है कि मैं रिवोक करना चाहता हूं अपना ऑफर। वो किस मोड से देते हो, व्हाट इज दैट इज इंपॉर्टेंट। ईमेल थ्रू करते हो, मैसेज टेलीफोनिकली मैसेज करते हो, टेलीफोनिकली कॉल करते हो, लेटर तो आपने ऑलरेडी डाल दिया, तो आप लेटर डाल सेकंड लेटर डालोगे तो वो तो बाद में पहुंचेगा ना, पहले तो पहुंच नहीं सकता, ठीक है जी। तो इसलिए वहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रिवोक कर सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ नोटिस देना है। सेकंड पॉइंट लिखा है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल। अगर आपने ऑफर में एक लिखा हुआ है कि ये जो ऑफर है ये 15 डेज के लिए ओपन है, अगर विद इन 15 डेज अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है। इफ यू डिड नॉट एक्सेप्ट और इफ यू डू नॉट एक्सेप्ट विद इन दैट 15 डेज, देन जो ऑफर मैंने किया वो ऑटोमेटिकली रिवोक माना जाएगा, विड्रॉ माना जाएगा। तो ये जो अगर आपने टाइम दे दिया, अगर वो टाइम लैप्स हो गया तो उसके बाद एक्सेप्ट करने का तो वो फायदा नहीं है, क्योंकि ऑफर ही नहीं है हमारा, ऑफर तो खत्म हो चुका है, वो तो विड्रॉ हो चुका है। तो सेकंड पॉइंट वो आपने लिखा है बाय द लैप्स ऑफ टाइम प्रिस्क्राइब्ड इन सच प्रपोजल फॉर इट्स एक्सेप्टेंस एंड इफ दो टाइम इज प्रिस्क्राइब्ड, अगर कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं किया ओपन है तो भाई विद इन रीजनेबल टाइम तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे ना।
विदिन रीजनेबल टाइम, अगर मैंने मैं ए ने बी को ऑफर कर दिया ठीक है मैं अपना घर या सेल करना चाहता हूँ आपको, आर यू इंटरेस्टेड, क्या आप इंटरेस्टेड हो कि मेरे घर परचेज करना चाहते हो, दो दिन चले गए, तीन दिन चले गए, पांच दिन, दस दिन, एक मंथ, वन मंथ, टू मंथ, थ्री मंथ, फोर मंथ पास हो गए, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। अब व्हाट हैपन, ए ने अपना घर बी को सेल कर दिया, उसके बाद पहले वाला जिसको ऑफर किया था वो भाग के चला आएगी, मैंने एक्सेप्ट कर लिया जी। लॉ कहता है कि विद इन रीजनेबल टाइम आपको एक्सेप्ट करना है, फोर मंथ टाइम इज अ टू लॉन्ग टाइम, तो विद इन रीजनेबल टाइम, रीजनेबल टाइम क्या होता है वो फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग होता है, उसको डिफाइन नहीं किया जाता ठीक है जी। तो उसको अगर नेसेसिटी है, उसने घर सेल करा तो वो किसी और को सेल कर देगा, आप विद इन रीजनेबल टाइम उसका उसको एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं एक्सेप्ट कर रहे तो दैट प्रपोजल जो है वो विड्रॉ कर लेगा, अपने आप ही वो विड्रॉ माना जाएगा, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपने प्री कंडीशन रखी हुई है, अगर प्री कंडीशन पूरी कर देते हो तो ऑफर हमारा एक्सेप्ट हो गया, हमारा एग्रीमेंट हो गया, तो वहां पे वो लिखा है बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेजेंट टू एक्सेप्टेंस। मैंने मार्केट में शेयर डाल दिए और मैंने वहां कंडीशन ले दी, जो भी इसको एक्सेप्ट करेगा ही हैज टू पे द प्रीमियम 50% प्रीमियम इन एडवांस। अब बी ने एक्सेप्ट कर लिया, सी ने एक्सेप्ट कर लिया, डी ने एक्सेप्ट कर लिया, डी ने 50% ये प्रीमियम दे दिया, उसने 1000 शेयर कर परचेज कर लिए, उसने 50% ये पे कर दिया, सी ने बिल्कुल नहीं किया, बी ने बिल्कुल नहीं किया। अब जो सी और बी है उसने मेरी प्री कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको फुलफिल नहीं किया, तो बात खत्म, उनके साथ मेरा कॉन्टैक्ट हुआ नहीं। ऑल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं, क्योंकि मेरी प्री कंडीशन जो थी वो इंपॉर्टेंट है, वो उसने कंप्लीट नहीं की। अब डी के रिगार्डिंग आई एम बाउंड। सेम वे अगर ए ने बी को कहा कि हाँ मैं आपके साथ मैरिज करवाऊंगी, वहां पे रिटर्न में हो गया सब कुछ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैरिज से पहले आप आईएएस ऑफिसर बनके दिखा दो, उसके बाद मैं अभी मैरिज हो जाएगी, अब वो आईएएस ऑफिसर नहीं बना, क्योंकि मैरिज से पहले प्री कंडीशन क्या है, आईएएस ऑफिसर बनना, अब वो बना नहीं तो बात ही खत्म ठीक है जी। तो लॉ कहता है कि जब भी ऑफर करते हो उसकी एक्सेप्टेंस से पहले जो प्री कंडीशन है उसको आप कंप्लीट करो, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदरवाइज एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज काफी टेक्निकल है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर हम लोग इंग्लैंड से थोड़ा सा वेरी करते हैं। यहां पर लिखा है बाय द डेथ, हम लोग रेवोकेशन कब करते हैं, प्रपोजल कब रिवोक माना जाएगा, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रोमिसर। जो ऑफरर की डेथ हो गई ठीक है जी, जब वो इंसेन हो गया, पागल हो गया, जब उसकी डेथ हो गई तो बात खत्म, लॉ कहता है कि ऑटोमेटिकली जो है वो ऑफर खत्म हो गया, रिवोक माना जाता है। लेकिन इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर्स बिफोर एक्सेप्टर्स, वहां पे लिखा है बिफोर एक्सेप्टर्स, इंडियन लॉ क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट करने से पहले अगर उसके डेथ के रिगार्डिंग या इंसैनिटी के रिगार्डिंग उसको पता लग गया, उससे पहले ही पता लग गया, तो ये ऑटोमेटिकली माना जाएगा कि ऑफर रिवोक हो गया, उसके बाद वो एक्सेप्ट भी कर रहा है ना, तो वो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर प्रपोजल किया, आपने प्रपोज किया, ऑफर किया है, बी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, एंड लेटर ऑन ही केम टू नो कि ऑफरर की तो डेथ हो गई, लॉ कहता है कि वो बाइंडिंग है, वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, वो एग्रीमेंट हो गया उनके बीच में, वो प्रॉमिस हो गया वहां पे। तो लॉ कहता है कि इंडियन लॉ में क्या है कि ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले अगर ये फैक्ट उसकी नॉलेज में है प्रॉमिसी के कि हमें उसकी तो डेथ हो गई है, जब वो तो पागल हो गया, इंस्पाइट ऑफ डैट अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है तो वो ऑफर जो है वो रिवोक ही माना जाएगा। लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि उसकी डेथ हो गई है, उसकी उसकी नॉलेज में नहीं है कि उसको वो जो ऑफर है वो इंसेन हो गया है, उसने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन बाद में पता लगा, तो लॉ कहता है वो तो हमारा कंप्लीट हो गया, ऑफर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, प्रॉमिस बन गया, वो तो एग्रीमेंट है हमारे लिए, तो उसको इन्फोर्स किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंग्लैंड में क्या है कि डेथ और इंसैनिटी जब मर्जी हो जाए वो ऑटोमेटिकली रिवोक मिल जाता है, तो इंडिया लॉ में थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, क्योंकि इंग्लैंड कहता है ठीक है जी आपकी नॉलेज में था या नहीं था, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उससे पहले आपको पता नहीं था, अब बाद में पता लग गया तो भी ऑफर जो है वो रिवोक ही माना जाएगा। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या है कि एक्सेप्ट करने से पहले अगर आपको नॉलेज में है तो वो रिवोक माना जाएगा ऑफर, आप उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते, अगर आपने एक्सेप्ट भी कर लिया तो भी वो रिवोक ही माना जाएगा। अगर आपकी नॉलेज में है ही नहीं है कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो इंसेन हो गया, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में अगर आपको पता लगता है तो इट इज अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ऑफरर जिसकी डेथ हो गई एंड द प्रॉमिसी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया।
सेक्शन सेवन क्या कह रहा है? सेक्शन सेवन कह रहा है कि जब भी आप एक्सेप्ट करोगे ना, एब्सोल्यूट एक्सेप्ट करोगे, ए ने बी को ऑफर किया कि मैं आपके मैं जो है बेसिकली 100 sacks of wheat जो बैग्स हैं, 100 bags of wheat मैं आपको आपको ऑफर कर रहा हूं सेल करने के लिए एट द रेट ऑफ 1000 पर बैग। बी ने कहा कि मैं तो 10 ही परचेज करूंगा जी। तो आप कंडीशन नहीं डाल सकते। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो पूरा फुल एक्सेप्ट करोगे, कंप्लीट एक्सेप्ट करोगे, आप उसमें कंडीशन नहीं पुट कर सकते। तो एक्सेप्टेंस की सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि एक्सेप्टेंस जो है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम ये ऑफर किया कि मैं अपनी कार जो है 2 lakh में सेल करना चाहता हूँ। बी कह रहा है ठीक है, आई एम विलिंग टू परचेज योर कार, बट 2 lakh थोड़ा सा ज्यादा है, मैं 150 चलेगा, मैं आपको 1,50,000 पे करने के लिए विलिंग हूं। अभी तो क्रॉस ऑफर हो गया, अब वो ऑफर कर रहा है, अब 150 में अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो लॉ कहता है जो एक्सेप्टेंस है वो पहली बात तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए। दूसरी बात, जो एक्सेप्टेंस है इट मस्ट बी यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर में होना चाहिए, विद इन रीजनेबल मैनर। वहां पे बोलिए इज बी एक्सेप्टेंस बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल और रीजनेबल मैनर के रिगार्डिंग। लॉ कहता है कि अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो कोई मैनर होगा ना। अब घर पे बैठे आपने सपना ले लिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया जी, तो वो तो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। कोई मैनर के तरीके, कोई मैनर तो होगा ना जिसके वजह से आप एक्सेप्ट कर रहे हो, थ्रू लेटर कर रहे हो, थ्रू टेलीफोनिकली कर रहे हो, या ईमेल कर रहे हो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो कोई तो मैनर होगा ना। यूजुअल मैनर से आप किसी के ऑफर को एक्सेप्ट करोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि ए ने बी को ऑफर कर दिया कि मैं अपनी कार सेल करना चाहता हूं, बी ने सी को बता दिया कि मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसने ए को तो नहीं ना बताया, तो ये तो कोई मैनर नहीं हुआ। लॉ कहता है कोई तो मैनर होगा जिसकी वजह से आप उसको एक्सेप्ट करोगे, तो कोई यूजुअल मैनर होना चाहिए, जब थ्रू लेटर डाल दो, आप मेल कर दो, आप टेलीफोनिकली कॉल कर दो, आप मैसेज कर दो, तो आप वो मैनर जो उसकी वजह से आप उसको एक्सेप्ट करते हो। लेकिन अगर यहां पे स्पेशली मेंशन कर दिया, अगर प्रपोजल ने ऑफरर ने कोई मैनर बता दिया कि इसी मैनर से मैं आप जो एक्सेप्टेंस मांगूंगा अदरवाइज नहीं मांगूंगा। ऑफर किया, ए ने ऑफर किया कि ये जो 100 bags of wheat है मैं सेल करना चाहता हूं, अगर आपने एक्सेप्ट करना है तो प्लीज आप थ्रू मेल ही मुझे मैसेज करें, अदरवाइज मैं आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानूंगा। बी ने लेटर डाल दिया एक्सेप्टेंस करने के लिए, तो वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि उसने जो मैनर है वो प्रिस्क्राइब कर रखा है कि आप ईमेल के थ्रू ही मुझे उसको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, अदरवाइज आपकी एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इन स्पाइट ऑफ दैट उसने एक्सेप्ट कर लिया, थ्रू लेटर भेज दिया एक्सेप्टेंस, तो वो तो एक्सेप्टेंस मानी नहीं गई क्योंकि उसने मैनर प्रिस्क्राइब किया गया। जब तक आप उसको मेल के थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं करोगे तब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा। वहां पे 4 लिखा है, इफ द प्रपोजल प्रिस्क्राइब्ड अ मैनर then that should be accepted in the prescribed manner and not otherwise. तो उसी manner में उसको accept किया जाएगा, otherwise उसको accept नहीं किया जाएगा। But if he fail to do so, अगर उस manner से वो accept नहीं करता, तो he accept the उसके regarding कुछ नहीं होता। If he fail to do so, he accept the acceptance. तो law कहता है कि वो उसके regarding क्या कि offer पे depend कर रहा है। अगर वो letter के through भी कर रहा है, लेकिन अगर उसको वो एक्सेप्टेंस अगर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ऑफर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, प्रोमिसर उसको एक्सेप्ट कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं जी आप तो मेल के थ्रू ही आओ, मुझे मेल के थ्रू मुझे एक्सेप्टेंस आप भेजो, तो लॉ कहते हैं कि वो एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए, ठीक है जी। देन वी हैव सेक्शन 8 क्या कह रहा है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसीडरेशन। लॉ कहता है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिक भी है और जनरल कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, जनरल एट पब्लिक एट लार्ज। स्पेसिफिक किसी खास पर्सन के रिगार्डिंग हमने वो प्रॉमिस ऑफर किया है, ए ने बी को ऑफर किया था, वो स्पेसिफिक है। लॉ कहता है कि जब आप कंडीशन कंप्लीट कर देते हो, राइट, कोई भी आपने ए ने ऑफर किया मार्केट में कि जो भी मेरे प्रोडक्ट को यूज करेगा, अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो मैं लायबल हूं। तो लॉ कहता है कोई भी पर्सन अगर उसके प्रोडक्ट को परचेज करके उसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसकी मेडिसिन यूज कर रहा है, तो वो तो कंप्लीट हो गया ना, उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा। तो वो कंडीशन क्या, लॉ कहता है सेक्शन 8 में, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशन। आप उसकी कंडीशन को परफॉर्म कर दो, लॉ हमारा ऑटोमेटिकली हो गया, तो एक्सेप्टेंस आपको एक्सेप्ट जो कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ कहता है कि ठीक है, अगर ए ने ऑफर किया कि मेरे डॉग जो है, मेरा जो 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 मेरा डॉग था वो अगर उसको ढूंढ के लेके आएगा तो मैं उसको 500 रुपीज दूंगा। अब कोई भी पर्सन लेके आ जाए,
अगर वो लेके आएगा तो बात खत्म, उसके वो कंडीशन कंप्लीट करेगा तो ही उसको हम पैसा देंगे ना, तो वो डॉग को ढूंढ के लेके आएगा तभी हम लोग पेमेंट करेंगे। तो ये हमारा सेक्शन 8 है। सेक्शन 9 क्या है, जो प्रॉमिस होते हैं वो हमारे एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, वो इम्प्लाई भी हो सकते हैं। तो मैंने आपको पहले कहा जो जो प्रॉमिस होते हैं वो हमारे एक्सप्रेस भी होते हैं, इम्प्लाई भी होते हैं। आप एक्सप्रेसली आप उसको कर सकते हो जो इम्प्लाइडली, लाइक मैंने आपको आपको कपड़ा भेज दिया कि अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप मुझको बता देना कि आपने एक्सेप्ट किया कि नहीं किया। लेकिन अगर वो कपड़ा वो टेलर को देके उसकी स्टिचिंग करवा रहा है अपने लिए, पैंट जो शर्ट है उसने वो स्टिचिंग करवा ली, तो लॉ कहता है वो तो अनप्लाइड हो गया ना, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है जी। अगर मैंने आपके घर में मिठाई भेज दी, स्वीट्स भेज दिए, मैंने कहा कि ठीक है ये ऑफर है जी आपके लिए, अगर आपको अच्छा लगता है उसको एक्सेप्ट कर लो, आपने वो जो स्वीट्स वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने नेबर में, तो वो तो कंप्लीट हो गया, वो तो बात ही खत्म होगी। तो वो तो इम्प्लाइड है ना, आपके कंडक्ट से पता लग गया, आपने एक्सप्रेसली नहीं बोला तो वो आपके कंडक्ट से इम्प्लाइडली पता लगेगा कि आपने मेरे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रॉमिसेस जो होते हैं वो एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, वो इम्प्लाइड भी हो सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन अप टू 9 सेक्शन, ये बेट लैंग्वेज थी। होप कि आपको अच्छा तरीके से समझ लगी होगी। इनकेस ऑफ एनी डाउट प्लीज आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।